हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सोनू सूद किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी एक्टिंग के साथ साथ सोनू सूद का नाम दरिया दिली के लिए भी काफी जाना जाता है। कोविड-19 के दौर में सोनू ने जिस तरीके से लोगों की मदद की थी उसकी वजह से एक्टर को आज भी सम्मानित किया जाता है। इस बीच भारतीय सेना सिपाहियों ने हिमालय की वादियों में सोनू सूद को रियल हीरो बताया। इस मौके की खास तस्वीरों को सोनू ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक्टर सोनू सूद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया। सोनू की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के कुछ सिपाहियों ने बर्फ पर रियल हीरो सोनू सूद लिखा है। साथ ही फोटो के कैप्शन के साथ सोनू ने लिखा, हिमालय में कहीं इन तस्वीरों ने मेरा मन बना दिया। विनम्र मेरी प्रेरणा भारतीय सेना, वास्तव में इंडियन आर्मी के सैनिकों की ओर से दिए गए स्पेशल ट्रिब्यूट ने एक्टर के दिल को छू लिया है। पिछले साल से सोशल मीडिया पर हिंदी सिनेमा जगत की बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से काफी फजीहत हुई है, जिसकी वजह से सुपरस्टार आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म बॉयकॉट की भेंट चढ़ चुकी है। मौजूदा समय की बात करें तो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर बॉयकॉट पठान ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बॉयकॉट बॉलीवुड फिर से शुरू हो गया है। अब इस बीच बॉलीवुड स्वाहा यानी कि हैशटैग बॉलीवुड स्वाहा भी ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस नए ट्रेंड के पीछे की वजह क्या है। बॉलीवुड के बहिष्कार को लेकर ट्विटर पर आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता है, जिसके पीछे की वजह इंडस्ट्री के एक्टर के पुराने विवादित बयान या फिल्म के सीन्स और टाइटल्स माने जाते हैं। इस बार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है लेटेस्ट बॉलीवुड स्वाहा ट्रेंड के पीछे की वजह भी यही बताई जा रही है। दरअसल इस हैशटैग के जरिए हिंदी सिनेमा के कलाकार शाहरुख खान के उन पुराने बयानों को शेयर किया जा रहा है जिसमें वो धर्म को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी फिल्म पठान के टाइटल को लेकर भी काफी लोग आपत्ति जता रहे हैं। शाहरुख ही नहीं, इंडस्ट्री के अन्य तमाम कलाकारों को भी इस बॉलीवुड स्वाहा हैशटैग के जरिए ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या शाहरुख की पठान पर इन बॉयकॉट ट्रेंड का कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर हाल ही में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार सुनील शेट्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खास अपील कर चुके हैं। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 16 ऑडियंस को लुभाने में सफल रहा। गेम के फॉर्मेट से लेकर कंटेस्टेंट तक सभी फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। सभी कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा प्यार तजाकिस्तानी सिंगर अब्दुलरोजी को मिल रहा है। अब तो पूरे देश के चहेते बन गए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं या डायलॉग हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि पागल है ब्रो, यू आर वेरी चालाक ब्रो, बहुत मजे, ऐसे तमाम उनके डायलॉग हैं जो हर किसी की जुबा पर है। हालांकि अब एक बार फिर फैंस का दिल टूटने वाला है क्योंकि अब्दुलरोजी का फिर से इलेक्शन हो सकता है। बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले इंस्टा पेज से खबर सामने आई है कि एक बार फिर अब्दुलरोजी का इलेक्शन हो जाएगा और इस बार उनकी शो में दोबारा वापसी नहीं होगी। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बता दें कि इससे पहले अब्दुलरोजी को बाहर किया गया था लेकिन भारी डिमांड के बाद उन्हें जल्द ही वापस भी लाया गया था, लेकिन इस बार उनका एविक्शन कन्फर्म बताया जा रहा है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं स्टार प्लस के सबसे मशहूर टीवी सीरियल अनुपमा के सेट पर। अनुपमा फैंस को अनुज और अनुपमा की केमिस्ट्री काफी पसंद है। शो में देखने को मिल रहा है कि अनुपमा अनुज को खुश करने की कई कोशिशें करती हैं, मगर अनुज का गुस्सा है कि शांत ही नहीं हो रहा। अब अनुपमा अनुज के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करती है और अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। अब ऐसा लग रहा है कि अनुपमा अपने प्यार को पाने में सफल हो गई है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अनुपमा और अनुज रोमांटिक होती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद अनुपमा और अनुज के फैंस के दिलों में भी गुदगुदी सी उठ गई है। वो इस रोमांटिक सीन्स की तस्वीरों को लगातार शेयर कर अपनी बातें जाहिर कर रहे हैं। आखिर संभव कैसे हो पाया, तो चलिए आपको बता दें। अनुज वादे के मुताबिक ऑफिस से आता है और अनुपमा की तैयारी से बेहद हैरान हो जाता है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं जो वो दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हैं। अनुपमा एक साड़ी में खूबसूरत लग रही है और एक नई दुल्हन से कम नहीं, जिसे देखने के बाद अनुज दंग रह गया। अनुज और अनुपमा शो में नई चुनौतियों का भी सामना करते नजर आएंगे, यानी कि प्यार तो भरपूर ही रहेगा लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसी चटपटी मसालेदार खबरों के लिए आप बॉलीवुड गपशप के साथ बने रहिए और मुझे फिलहाल अलविदा कहिए।